बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाजिर है। हमारी आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं माश की दाल। माश की दाल मिट्टी की हांडी के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से हम बना रहे हैं हाईवे स्टाइल, जो अमूमन रोडों के ऊपर ट्रक कटनों के अंदर माश की दाल बनाई जाती है वो बना रहे हैं। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं मिट्टी की हांडी के अंदर माश की दाल। माश की दाल हमने बॉईल कर ली है। अभी शुरू करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं मसाला। घी डाल रहे हैं, ग्राम घी डाल दिया हमने। माश की दाल के अंदर अमूमन घी ज्यादा ही अच्छा लगता है। प्याज दो अदद हमने प्याज चॉप कर लिए, फिर फ्राई करते हैं। सबसे पहले जब तक ये फ्राई होते हैं तो हम इंतजार करते हैं, इसको कर देते हैं कवर। ये इसका है ढक्कन, ढक्कन भी इसको बोलते हैं पंजाबी में, इसको चप्पन बोलते हैं। तो चप्पन हमने रख दिया है। बिस्मिल्लाह, अभी कर लेते हैं चेक प्याज अगर ब्राउन हो गए हैं। और हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ी सी आंच हम तेज कर लेते हैं। अभी बाकी मसाले डाल लेते हैं। इसमें अभी डाल रहे हैं ऐड, शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन को हमने पेस्ट बना ली थी, कोरियल वो डाल रहे हैं। उसके बाद टमाटर डाल देंगे, तो थोड़ा सा इंतजार। अभी डाल देते हैं टमाटर, टमाटर चॉप किए हुए दो टमाटर। टमाटर भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल यकजान हो गए सारे मसाले। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मज़ीद अच्छी तरह जो है ना ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। पानी डाल दिया और पानी को करते हैं मसाले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, यकजान हो गए। टमाटर प्याज अदरक लहसुन अभी स्पाइसेस डाल देते हैं। उसमें हम डाल रहे हैं नमक आधा चम्मच, रेड चिली सूखी मिर्च पाउडर ये भी आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। ये हो गया, ये थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं ताकि मिर्च और ये चीज़ें सारी जो है बाकी मसालों के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी चेक कर लेते हैं मसाला, ये रहिए हमारा मसाला रेडी हो गया। अभी हम डालेंगे इसमें माश की दाल, बॉइल कर लिया था बिल्कुल हमने जो है ना बिल्कुल गाली नहीं है ना या दे रहे हैं इस तरह की इसकी कोशिश में अभी डाल देते हैं। अभी इसको कर लेते हैं मिक्स। आज हम जो है ना लाहौर में पहली दफ़ा और वीडियो के अंदर अपनी पहली दफ़ा जो है ना चढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं कोई डिश हांडी के अंदर। माश की दाल का एक और चीज़ है कि माश की दाल जो है ना घी ज़्यादा मांगती है, क्योंकि टेस्ट से इसका घी से ही निकलता है घी, और बेहतरीन जो है ना वो तंदूर की रोटी है। अभी इसको कर लेते हैं कवर हल्की आंच पे। अभी इसमें हम खड़े मसाले डाल रहे हैं, उसमें हम चंद दाने जो है ना
काली मिर्च के और चार अदद लौंग ले रहे हैं खुशबू और टेस्ट के लिए। ये जीरे और दूसरे मसालों के अलावा है। अभी आँच हल्की कर दी है बिल्कुल नॉर्मल सी, चूल्हे को बिल्कुल हमने स्लो कर दिया है और इसको कर लेते हैं कवर और साथ में डाल लेते हैं रोटी और इसमें सब मिर्च डाल देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं अभी चार जो है सब मिर्च या गार्निश के लिए सब्ज मिर्च और धनिया इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल इसको बंद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपनी माश की दाल चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल रेडी होगी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जो सब्ज मिर्च इसके अंदर डाली थी वो भी जबरदस्त हो गई है। अभी इसके ऊपर जो है हम डाल देते हैं गरम मसाला, इसमें है जीरा और कुटी हुई काली मिर्च खुशबू और टेस्ट के लिए। वाह स्वाद आ गया। मिट्टी के बर्तनों का ये फायदा है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना तो लेट से लेट बनता है ऐसा सा, और बनाना भी चाहिए लेट ऐसा, और इसका फिर ठंडा भी देर से होता है। अगर आप एक घंटा भी इसके अंदर पका के रख देंगे हांडी के अंदर या सब मिर्च खूबसूरती के लिए। माश की दाल सब मिर्च के साथ ही खाने का मजा आता है। गरम गरम चपाती तंदूर की रोटी हो तो क्या कहना। वाह सुभान अल्लाह, मिट्टी की हांडी के अंदर ही खूबसूरत नजर आ रही है, डिश आउट करने की जरूरत ही नहीं। माशाल्लाह हमारे नए स्टाइल कह रहा हूँ, मिट्टी की हांडी और खूबसूरत माश की दाल। अभी हमने रोटी बना ली है और एंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी हम गरम गरम चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ माश की दाल एंजॉय करते हैं। तो मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी दोस्त नए आते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें। लाइक लाजमी कर दिया करें, आपका लाइक करने का बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई चीज़ के साथ नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।